हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे, घर पे बनाने का सिंपल सा मेथड। अगर बात करें इस मेकअप सेटिंग स्प्रे की, तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके अलावा ये ऑल स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स की है, ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते और जान लेते हैं इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को बनाने के लिए आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स चाहिए। फर्स्टली गाइज, आपको चाहिए होगी एक स्प्रे बॉटल। ये स्प्रे बॉटल आप लोग इजीली मार्केट में से बाय कर सकते हो, 20 या 30 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस स्प्रे बॉटल को आप लोग ऑलमोस्ट हाफ फिल कर लोगे मिनरल वाटर के साथ। अगर आपके पास मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल वाटर को बॉयल कर लो, उसे ठंडा कर लो और देन इस बॉटल में फिल कर लो। और नेक्स्ट आपको चाहिए होगा यहाँ पर रोज़ वाटर। रोज़ वाटर गर्मियों के लिए एज अ बेस्ट टोनर इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑलमोस्ट हर लड़की के पास अवेलेबल होता है। और जिन लड़कियों के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, वो जितना हो सके रोज़ वाटर को गर्मियों में अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया करें। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून रोज़ वाटर, मिनरल वाटर में आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होगी, वो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए होगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ और गर्मियों के मौसम में एलोवेरा जेल एज अ बेस्ट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल की जाती है और ये आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आपके फेस के ऊपर आने देती। तो ये तो मोस्टली आप लोगों को बाय कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र है गर्मियों के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर चाहिए होगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो आप 3 या 4 ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो ग्लिसरीन के। यहाँ पर मैंने ग्लिसरीन ऐड कर दी है और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से क्या करना है, बॉटल को आपने बंद करना है और बंद करने के बाद अच्छे से शेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमने इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, उन वो अच्छे से एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे और आपका जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप इसे अच्छे से अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। और इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को आप जितनी दफ़ा चाहे दिन में अपने फेस के ऊपर स्प्रे करो। ये आपके मेकअप को एक तो लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, आपके फेस के ऊपर एक अमेजिंग सा ग्लो लाएगा और ये बनाना बहुत ही आसान है। ऑलमोस्ट आप इसे फ्री में बना सकते हो, फ्री में इस तरह से बना सकते हो क्योंकि इसमें जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। और जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा लाइक फेस के ऊपर एक्नी होती है, वो तो यूज़ करती हैं रोज़ वाटर, और एलोवेरा जेल बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, तो ये तो ऑलमोस्ट आपके पास होनी ही चाहिए। ये एक बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है। आप इसे एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हो, और जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है उनके लिए तो बेस्ट है एलोवेरा जेल। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेकअप सेटिंग स्प्रे कैसा लगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।